अब हम अभी बात करेंगे किसकी, पोलियो वैक्सीन की। अगर हम बात करते हैं पोलियो वैक्सीन की तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पोलियो जो है किसके थ्रू फैलता है। मोस्ट कॉमन कॉज है ओपन डेफिकेशन। ओपन डेफिकेशन की वजह से ही पोलियो फैलने का सबसे ज्यादा चांस होता है। अब हम बात करें तो पोलियो वायरस की, पोलियो वायरस होते कितने टाइप के। तो पोलियो वायरस होते हैं मेनली तीन टाइप के, P1, P2, P3। अब पोलियो वायरस 1 होता है जो क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिडेमिक पोलियो। और सेकेंड होता है, जो सेकेंड पोलियो वायरस है जो P2 होता है, ये होता है कौन सा, मोस्ट इराडिकेबल पोलियो वायरस, यानी कि जो इराडिकेबल है यानी अपन उसको ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि उसको क्योर कर सकते हैं वैक्सीन के थ्रू, वो है P2, जो कि अपने इंडिया के अंदर इराडिकेट हो चुका है। कौन से ईयर में, 2014 में। और P3 होता है, ये होता है वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो। अब आप बात करते हैं हम इराडिकेशन, यानी 2014 में जब इराडिकेशन हुआ उसके पहले जितनी भी पोलियो वैक्सीन आती थी वो आती थी कैसी, ट्राई वैलेंट। आफ्टर 2014 यानी 2014 के बाद में जितनी भी पोलियो वैक्सीन आती है वो आती है बाई वैलेंट, यानी कि P2 क्या हो चुका है, इराडिकेट हो चुका है अपने इंडिया से। अब बात करते हैं इसकी डोज की कितनी होती है, कैसे होती है। तो जो पोलियो वैक्सीन है वो हम पिलाते हैं दो फॉर्म के अंदर, एक तो IPV इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन और OPV। अभी की बात करते हैं कि इनमें से कौन सी लाइव है और कौन सी किल है। तो IPV होती है, वो होती है किल्ड वैक्सीन, और OPV होती है लाइव वैक्सीन। दिस इज IPV इन्वेंटेड बाय सार्क एंड OPV सेबी। अब इनकी बात करते हैं अपन डोज, तो IPV की होती है टोटल 2 डोज और OPV की होती है 5 डोज। और इन डोज की अमाउंट कितनी कितनी होती है, अगर हम IPV की बात करें, IPV बात करते, OPV की बात करते हैं, तो 2 ड्रॉप मीन्स 0.1 ml। अब बात करते हैं हम IPV की, अगर हम IPV की बात करते हैं तो IPV हम दो तरीके से दे सकते हैं, सिंगल डोज और दूसरी फ्रैक्शनल डोज। सिंगल डोज तो सिंपल है, 0.5 ml IM, ए 10 वीक। और अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शनल डोज की, अगर फ्रैक्शनल डोज दे रहे हैं तो हम देते हैं 0.1 ml, 0.1 ml, कैसे, इंट्रा
डरमन, और कब कब? सिक्स्थ वीक एंड 14th वीक।